construction worker because you're building. Building? Yes. What the fuck does that mean? Mind your own business. What? Welcome back to my channel guys, and how are you all? And I'm fine, and thank you so much for all your love and support in my last videos. तो आज मैं आगे एक न्यू वीडियो लेके, ये है तन्मय भट्ट की न्यू वीडियो जिसका नाम है पाकिस्तानी सा सैवेज अ न्यू पार्ट, जिसमें जाकिर खान भी हैं. सो बहुत दिन हो गए तन्मय भट्ट का वीडियो देखे हुए, सो मैंने सोचा क्यों ना आज वो वीडियो देखा जाए. आई एम रियली एक्साइटेड. और ये पूरा पसीना, अगर आप देख रहे हैं तो गर्मी है, क्योंकि अगर मैं फ़ैन ऑन करती हूँ तो बहुत ज़्यादा आवाज़ आता है वीडियो में, इसलिए मैंने फ़ैन ऑफ करके बैठी हूँ और बहुत गर्मी है. सो या सो जस्ट लेट्स स्टार्टेड. जस्ट लेट मी सेट माई लैपटॉप. अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, डू सब्सक्राइब. अगर आपको मेरा रिएक्शन पसंद है, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और नोटिफिकेशन बेल जरूर दबा दीजिएगा. आपको नोटिफाई हो जाएगा मैं जब भी वीडियो डालूंगी. सो ये है पाकिस्तानी सा सैवेज पार्ट 8. माय गॉड, पार्ट 8 आ चुका है. ये रहे मेरे हेडफोन्स. सो पाकिस्तानी सा सैवेज पार्ट 8, फिएट जाकिर खान स्टार्स हियर. हेलो हेलो, वेलकम टू अ वेरी स्पेशल एपिसोड. So, आज हमारे साथ है, of course, the OG gangs are back with us. We have Shahar Opie in the house, looking very, very cute. We have writer Opie, जो आज मतलब एकदम ही पूरे अंग पे चिकने होके आ चुके हैं आज. हर एपिसोड के साथ एक बटन खुलता जा रहा है. हाँ, हाँ. And of course, we have the OG writer Opie is back with us, along with two very special guests today. By the way, आज की पूरी cast, the cast of Farzi Mushaira is with us. We have Shahar Opie is here and Cider Opie is also here. And of course, writer Opie of Farzi Mushaira is also here. Welcome, special gentlemen. कैसे चलती है जनता, क्या बोलिए फर्जी मुशायरे के बारे में, कुछ बताओ, कुछ फीडबैक. फर्जी मुशायरा गोपाल भाई बताएंगे, हम तो क्या बता. जनता के लिए चलते ही रहना चाहिए, ये नहीं रोकना चाहिए. आपका एक फेवरेट कोई शायरी सुना दो गोपाल भाई. मुझे जो हासिल है मुशायरा शेर, वो ये है कि मार दे चाटा पुतिन बाकी तेरा भाई देख लेगा, और साथ ले जा कॉमरेड नितिन बाकी तेरा भाई देख लेगा, और तू लिख दे अपना घर जमीन जायदाद सब मेरे नाम, तू फॉलो कर मार्क्स को लेनिन को बाकी तेरा भाई देख लेगा. वाह वाह वाह, बढ़िया है दोस्तों. फर्जी मुशायरा जरूर देखिएगा Amazon मिनी टीवी, आपके Amazon शॉपिंग ऐप पे एकदम ही फ्री में आप देख सकते हो. अगर आप अभी से देखना शुरू करेंगे तो अगले कुछ एपिसोड में आप मुझे भी देख सकते हो. प्लीज गो एंजॉय, वॉच इट, गिव फीडबैक. सबके इंस्टाग्राम लिंक्स डिस्क्रिप्शन में, सबको जाके पेल दो. ये रॉक्सी ना तंग कर रही है. अगर शायरी लिखते हो तो जरा कुछ कुछ भेज भी दियो राइटर ओपी को. राइटर ओपी को ही भेज. उसी बात पे जेंटलमैन लेट्स बिगिन. डैम गर्ल, Are you construction worker? Because you're building. Building? Yes. What the fuck does that mean? Mind your own business. What? ये flirting ऐसा हो कि सामने को पता ही नहीं चले कि तुम क्या बोल रहे हो. इसका असली punchline क्या हो सकता है? Wants to make a love story. Oh, nice. Alhamdulillah for Suhu. Had water, yogurt, water, and more water. Jump kare taki lassi ban jaye. मैं इतना इम्प्रेस हूँ भाई, मतलब कि इनकी भी कमी नहीं है जो ये सब लिख रहे होते हैं, और इनको जवाब देने वालों की भी कमी नहीं है, उनका सिस्टम इंटैक्ट है. ये एक फेसबुक ग्रुप मिला यहाँ पे, जहाँ पे मुझे काफी पाकिस्तानी लड़कियाँ अपने फीलिंग्स एक्सप्रेस करती हैं. मेरी शादी को अभी एक हफ्ता ही गुजरा है कि मेरी सासू माँ से बहस हो गई, तो मेरे शोहर ने कहा तुम्हें इस घर में रहना है या नहीं सोच लो. इसका क्या मतलब हुआ कि वो मुझे नया घर लाके दे के गए. सॉरी मैम, भोलापन एक अभिशाप है दोस्तों. तो बेचारा जब भी उसकी माँ और उसकी बीवी लड़ने लगते हैं, उसको डर टेंशन आने लगता है कि माँ कसम अभी रियल एस्टेट वाले को फोन करना पड़ेगा दोबारा. यही वो लड़कियां हैं जो इतने दिनों से मान के चल रही कि उनका बॉयफ्रेंड चांद ले आएगा. अमावस के दिन एक्साइटेड भी हो जाती होंगी कि वहां तो है नहीं, पक्का निकल गया है, निकल गया. आप करते क्या हो? मैं गार्डियन ऑफ द गैलेक्सी हूँ. क्या मतलब? मतलब सैमसंग के स्टोर का सिक्योरिटी गार्ड. अरे क्या हुआ, रिप्लाई तो करो. गार्डियन ऑफ द गैलेक्सी भाई. ये स्क्रीनशॉट वो लड़की के दोस्तों के ग्रुप में जा चुका है. तो 21-16 पे है, 21-18 पे पूछ लिया उसने. अरे क्या हुआ? नहीं नहीं गोपाल भाई, लेकिन 21-18 पे वो एक ही टिका है, मतलब ये शायद ब्लॉक भी हुआ उसका. My wife always watch these अजीब videos on Facebook reels. खाने पकने की आवाजें, खाने की आवाजें, चपड़ चपड़, बड़े मुंह वाली औरतें, आदमी बस खाते रहते हैं.
मैं पूछता हूँ क्या देख रही हो, तो शी सेज दीज आर एसएमआर वीडियोस. व्हाट इज रॉन्ग? यस आई डू. और लेडीज भी ऐसे करती हैं. चंद भाई के चैनल की बात हो रही है. क्या है एसएमआर वीडियो? मैंने बना भी रखे बट मुझे समझाओ तो क्या है एसएमआर वीडियोस? लोग बैठ के माइक के सामने ऐसे खाना खाना खाते. वो मतलब आशीष विद्यार्थी का जो काम है क्या? आशीष विद्यार्थी In this gender. Ashish Vidyarthi एकदम deadly villain हो जाते हैं ना. I love this video. वो deadly से इडली पे आ गए हैं वो. Oh fuck. Why? तो आप इसी कोर्ट में तो केस चलाना चाह रहे हैं सालों से. मैं कह रहा हूँ वो हथौड़ा गलत लग रहा है. मुबारक हो पेशावर में देखो केला आया केला नजर आया. एक रमजान की आपको मैं टिप देता हूँ. क्या होता है कि साहब मस्जिदें बहुत सारी होती हैं मोहल्लों में, मोहल्लों में गेटों में आप रहते हो, ठीक है? तो क्या होता है कि अलग अलग मस्जिदें अलग अलग तबके अलग अलग फितनों फिक्रों की अलग अलग मस्जिदें होती कि फलानों की है हम तो नहीं जाते, ढिमकों की हम तो नहीं जाते. पर रमजान में वो फर्क जो है मिट जाता है क्योंकि आप रोजा जो है सुबह जो है आखिरी निवाला उस हिसाब से लेते हो कि आखिरी अजान कौन देता है. उस टाइम पे सब एकदम हो जाते भाई अजान अजान होती है भाई. उस वाली मस्जिद में हो गई ना अजान. अजान हो गई नहीं खाओ और I'm stuck in traffic. I'm on my way. Okay, I've arrived. Coming in 2 minutes. I'm in washroom. छह जगह बैठी हैं. मुझे लग रहा भाई को लगी है. वो वाला है कि चलो कोई तो कर रहा है. Us. This could be us, but हमारी तो गैस ही नहीं आ रही. रोमांस और गरीबी जो है आप भी बोला ना दोस्तों. तू मेरे साथ है फिर वही पैसे की ये क्या है, ये क्या है सुनाओ एक बार. कि चांदनी रात है फिर वही पैसे की दिक्कत. तू मेरे साथ है फिर वही पैसे की दिक्कत. और 40% ऑफ है बर्बरी के स्टोर पे दुबई मॉल में. लेकिन वहाँ फिर वही पैसे की दिक्कत. जानू क्या कर रही हो? सो रही हूँ. अब मैं पूछूंगा किसके साथ, तुम कहोगी मेरे यादों के साथ. नहीं के साथ. दिस हसन इज ट्रूली अ कमाल हसन. वाह वाह वाह. भाई इस पिक को एडिट करके कुत्ते को हटा दे. डन. और दोस्त इतना हरामी की हार्ट बना के भेजा डर भाई ऐसे. मेरा अब्बू चाहता है कि फोपो के लड़के से शादी कर लूं और मेरी मम्मी चाहती है कि खाला के लड़के से शादी कर लूं. दोनों फैमिलीज अच्छी है बहुत. दोनों लड़के भी शरीफ और अच्छे हैं, गुड लुकिंग है, वेल सेटल है. दोनों ही मुझ में इंटरेस्टेड है. मैंने तो बहुत ट्राई की कि पहले उन दोनों की कई और करवा दूं. फिर पता चला कि बोथ आर इंटरेस्टेड इन मी. आई फील कंपैटिबल विद बोथ. दोनों की बहनें मुझसे अटैच्ड हैं. बचपन से सब साथ हैं. आई केयर फॉर बोथ ऑफ देम. मुझे समझ नहीं आ रहा कि किसी एक को चूज कैसे करूं. एक से की तो दूसरा हर्ट ना हो. एक ही पोपो है और एक ही खाला है. दोनों को छोड़ो मुझसे कर लो. एक वो होता ना वो मुझे अंदाज अपना अपना का वो सीन याद आ रहा है जिसमें गोविंदा और जूही चावला होते हैं. वो अपनी प्रॉब्लम बता रही थी. वो इधर गले लग जा. इनका वन ट्रैक माइंड है. ये कुछ भी पूछते हैं वेयर इज द गुड बिरयानी इन योर एरिया. कहता मेरे घर पे आ जाओ. भाई बहुत देर हो गई आए नहीं अब तक. मेरा दिल नहीं कर रहा आने को. अच्छा नाराज नहीं टिंडर और जोमैटो का मिक्स ऐप चल रहा है इधर. टोमेटो जल्दी करे भाई. आई एम ऑलराइट. 5 मिनट भाई वॉशरूम आ गया यूज कर रहा हूँ. ओके आराम से करो. शुक्रिया भाई. सॉरी भाई मुझे पेचिश लगे हुए हैं. कॉन्स्टिपेशन है गोपाल. चिरकी करके एक शायर हुए बड़े मशहूर. उनका एक शेर था कि बाजे से बज रहे हैं बैतुल खला में यारो. बैतुल खला टॉयलेट कि बाजे से बज रहे हैं बैतुल खला में यारो. शायद कोई हसीना पेचिश में मुब्तला है. एक एक इसी बात पे एक चिरकीन का मुझे भी याद है. अद्भुत शेर है. चिरकी को लगे 10 और कुछ इस तरह लगे. अब 10 का मतलब हाथ भी होता है. डबल मीनिंग है कि चिरकी को लगे 10 और कुछ इस तरह लगे कि कमरे की दीवारों पे तस्वीरें जाना बन गई. मैंने समझा ये वाला क्या सेकंड लाइन समझा. दीवार पे जो है पेंटिंग्स बन गई है. ओ, ओ, और जाने मन की
जाने मन की तस्वीर बन गई। अपन ने भी तो लिखा था गोपाल जी, वो कौन सा ये होटल, इन आंखों की मस्ती के मस्ताने हजारों, ये होटल दिखता छोटा है पर बैठाने हजारों। कुछ कुछ शेयर जो शो में नहीं है यहाँ पे रिलीज हो चुके हैं एक्सक्लूसिव। यू इज द बिकॉज, यू इज द बिकॉज, यू इज द बिकॉज। 90s के बॉय बैंड का गाना हो सकता था। टेल मी व्हाई यू इज द बिकॉज। इतना तन्हा क्यों हूँ मैं, यू इज द बिकॉज। मरना भी चाहता हूँ, जीना भी चाहता हूँ, यू इज द बिकॉज। मेरे दोस्त के अंकल जो बहुत अमीर है, एज 55 तक हो गया, 25 साल की लड़की से शादी कर ली। जब मैं उनसे मिला और पूछा कि आपने कैसे राजी क्या लड़की को, तो वो बोले मैंने एज गलत बताई थी। मैंने कहा चले 45 बताई होगी, फिर भी कैसे मान गई लड़की। वो बोले नहीं मैंने 72 बताई थी। नंदित मोदी। अरे बहुत ही हार्मलेस जो ये जो मीम, इसके अंदर एक बहुत डीप मैनेजमेंट लेसन है दोस्तों। एक्सपेक्टेशन मैनेजमेंट इज की टू रोमांटिक सक्सेस। वही वाला जो है ये तो इनकी इनकम और इनके दिन कम, दिन कम, दिन कम उन्होंने घटा दिया। लेकिन मेरे पाकिस्तानी स्टडीज में 97% है, उसका कोई काम हो तो बताना। लियाकत अली खान के सर पे कितने बाल थे? उनके सर पर बाल नहीं थे, टोपी थी। तो टोपी में क्या था? लियाकत अली खान। वाह भाई साहब बहुत बढ़िया। इफ समवन इज इन लव विद यू, ही और शी विल स्टार्ट कॉपीइंग यू। इफ समवन इज इन लव विद यू, ही और शी विल स्टार्ट कॉपीइंग यू। एकदम सटल अहमद भाई। क्या अहमद हसन भाई वही है? हसन जो पहला था। क्यों यार क्या हो गया शहजादी? कुछ नहीं हुआ, बस नहीं आ रही नींद। कॉल क्यों? आ जाओ लोरा सुनाता हूँ। लोरी 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 सुनाता हूँ, लोरी सुनाता हूँ। इसरा को अब 10 दिन नहीं आएगी। शुरुआत तो सही थी, शहजादी वगैरह करी रहा था लड़का, पर सच निकल गया। गलती से सच निकल गया। I'm 28 and he's 12. क्या करूँ? Help him with his homework. Universities किस मंथ में ओपन हो रहे हैं? Info Jan. Jan? अरे मौका देखते हैं गदर खान, गदर खान। कटरीना कैफ को मैसेज भेज दी गई है, देखो। Hey, wait, let me set the mood first. You change the chat theme to love. Hey. विक्की कौशल का चैट कहाँ से लिया आपने? What's happening in Pakistan? A threat. बकचोदी। आपकी शादी हो गई क्या? नहीं। एज कितनी है? 18. हसन यही है। He identifies as an 18 year old. 18 year old. Correct. Correct. मैं कहता हूँ इसके प्रोनाउंस है him/Abdu. शहबाज टिक्का, रिस्ट्रिक्टेड प्रोफाइल, यू मस्ट बी 18 इयर्स ओल्ड और ओवर टू सी दिस प्रोफाइल। ऐसा क्या हो रहा है शहबाज टिक्का में? आई एम वेरी प्राउड, होप यू ऑल अंडरस्टैंड, नाइस टॉकिंग टू यू ऑल, गुड नाइट एंड हॉरर ड्रीम्स। आई सॉ अ पिक फ्रॉम ब्रूटल फेस फाइव। ऑलराइट, कम फास्ट कोलाची, बुक हेलीकॉप्टर नेक्स्ट टाइम, ओके? क्या बात? दूसरा क्या, मुझे तो लगता है सब ड्राइवर ना अपने अपने घरों से तो लड़के चलते हैं। ये तो मिनिमम इनका कस्टमर का जैसा भी बिहेवियर हो, इनका बिहेवियर तो घर से खराब हो गया। 15,000, बहुत प्यारा बिल्ला, वॉशरूम भी वॉशरूम में करता है। डिस्क्रिप्शन, बहुत प्यारा और मासूम। ये गोपाल जी की डेटिंग प्रोफाइल है। गोपाल भाई आप कब से वॉशरूम में वॉशरूम करने लगे हैं? उल्लू को क्या पता, उल्लू बोला है। गोल्ड डिगर करना पड़ता है अब्दुल्ला, महंगाई देखी कहाँ चल रही है। पाकिस्तान पायलट रिफ्यूजेस टू फ्लाई आफ्टर इमरजेंसी। बहुत बढ़िया, मेरी कॉलोनी में बोरी रेस है मेरी।
Oh, shit, I saw this on Instagram. Those friends who sell you drugs. Oh, I mean, only Punjab police can. और तुम्हारे पास भी रखे हैं तो जमा करवा दो. सेल्फ हेल्प को इतना अलग लेवल पे ले जाके कि सुनो इधर आओ वहाँ पे पड़ी तुम्हारी पेड़ियाँ बांध लो चाबी इधर दे जाके. पहली सेल्फी आपको भेजी है साहब हमजा. ओह सॉरी मुंह से निकल गया जी. अगेन आई एम सॉरी फिर से कॉल आया. ओके एंड होने वाला वीडियो. ओके गाइस बहुत ज़्यादा फनी था. आई लव्ड इट. बहुत मज़ा आया देखने में और मतलब इतने गजब. और स्पेशली वो मुंबई पुलिस वाला सॉरी पंजाब पुलिस वाला जो था वो मैंने अभी देखा ही था इंस्टाग्राम पर. आई थिंक आज सुबह ही देखा था शायद. बट इट वॉज रियली फनी. बहुत मज़ा आया और या आई लव्ड इट. बीच में मुझे दो बार कॉल आया जिस वजह से मेरा ये वीडियो पॉज हो जाता है क्योंकि मैं मोबाइल में बनाती हूँ ना इस वजह से पॉज हो गया. बट या आई ट्राई टू एडिट इट. ज़्यादा डिफरेंस ना है. बट वट कैन आई से तन्मय भट्ट के वीडियोज मतलब इवन दो द मीम्स आर फनी पर उनके साथ जो वो कमेंट्री करते हैं ना वो देखने में बहुत मज़ा आता है. उनके साथ देखने में बहुत हंसी आता है. और स्पेशली उनके जो कमेंट्स रहते हैं वो ऐसा था कि आप रिलेट कर सकते हो. आप उनको लगता है हाँ सही तो बोल रहे हैं ऐसा तो मैंने भी देखा है. सो या आई लव्ड इट. एंड इफ़ यू लाइक इट लाइक दिस वीडियो शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ और मुझे बताइए आपने बेस्ट मीम कौन सा देखा है. सो वी विल मीट नेक्स्ट टाइम.